हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 PT1 सब्जेक्ट मैथ्स सेशन 2024-25 के लिए। आइए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ऑक्टेट इज मेड अप ऑफ डैश साइड। एक ऑक्टेट या ऑक्टागन जो होता है उसमें कितनी साइडें होती हैं? तो आपको पता है जो क्लोज पॉलीगन होता है सबसे पहले थ्री साइडेड फिगर होता है जिसे ट्राइंगल बोलते हैं। फोर साइडेड फिगर जो होता है उसे क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। फाइव साइडेड फिगर जो होता है उसे पेंटागन बोलते हैं। यहाँ पर कितनी साइड की फिगर पूछी है? ऑक्टागन का मतलब आठ साइड की फिगर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, तो सर याद रखना, कई बार पूछा जाता है क्लोज पॉलीगन, लीस्टेस्ट क्लोज पॉलीगन कौन सा होता है? तो सबसे कम साइड वाला क्लोज पॉलीगन ट्राइंगल होता है, उसके बाद चार साइड वाला क्वाड्रिलेटर होता है। क्वाड्रिलेटर के अंदर स्क्वायर रेक्टेंगल सब आते हैं, फिर पेंटागन, फिर ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्टागन पूछा है तो आठ साइडें हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नाइन। नाइन की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ। किसी भी क्वेश्चन में अगर एडिटिव आइडेंटिटी लिखा हो तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की जगह लिखा होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब अगर ये नाइन है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता 1/9, और अगर बोला होता ठीक है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की जगह बोला होता एडिटिव इनवर्स तो यहाँ पे हो जाता है वो -9। पर जब भी एडिटिव आइडेंटिटी की बात बोलेंगे तो इसका मतलब होगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका ऑप्शन जीरो, समझ आया? मल्टीप्लीकेटिव होता तो 1/9, एडिटिव होता एडिटिव इनवर्स तो -9, मगर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है उसका टोटल सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है रैशनल नंबर विच इज स्मॉलर देन वन। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो स्मॉलर देन वन हो। देखो तो वन यहाँ पे पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव है, और उसके बाद जो ऑप्शन दिया है -1, 0 और -2। तो वन जो है जीरो से भी बड़ा होता है और नेगेटिव के तो सारे नंबरों से वन बड़ा है। क्यों है बड़ा? क्योंकि ये वन पॉजिटिव का है और जो ऑप्शन है आप पे -1, -2 और 0 है, और ये तीनों ही दो नंबर नेगेटिव के हैं और एक नंबर जीरो है। तो नेगेटिव के नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं और जीरो तो वन से छोटा ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बोला है व्हाट शुड बी एडिड टू -7/3 टू गेट 3/7। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बेटा हम करेंगे, तो क्वेश्चन फोर पे दिया हुआ है आपको कि व्हाट शुड बी एडिड टू -7/3 टू गेट 3/7। तो क्वेश्चन ये दे रखा है आपको -7/3 में हम क्या ऐड करें कि आंसर आ जाए 3/7, ये आंसर आना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो हमें नहीं पता क्या ऐड करेंगे, हम क्या ऐड कर देंगे, एक्स ऐड कर देंगे। जब भी बोले कि क्या ऐड करें, हमें नहीं पता क्या ऐड करें, तो हम वेरिएबल ऐड कर देंगे, तो हम ऐड करेंगे एक्स, क्लियर हो गया। जब एक्स को ऐड करेंगे तो ये देखो ये यहाँ पे इसके साथ ऐड हो रहा है, तो इस तरफ ट्रांसपोर्ट होकर क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, ये 3/7 आ जाएगा। ये नेगेटिव का नंबर है, ट्रांसपोर्ट होकर उस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव क्या आ जाएगा 7/3, क्लियर है यहां तक। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 21, यहाँ पे 3 न्यूमरेटर का, 7 की टेबल में 21 कितने टाइम पे आता है, 3 टाइम इनटू 3, प्लस लगाएंगे 7 कॉपी करेंगे, 3 की टेबल में 21 कितने टाइम पे आता है, 7 जाम आता है, यहाँ लिख देंगे 7। फिर सॉल्व करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर का 21, ऊपर 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, ऐड कर देंगे। 49 में 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 58/21। तो हमारा जो एक्स आया वो क्या आया 58/21, तो हम क्या ऐड करेंगे 58/21, ऑप्शन देखेंगे 58/21 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा कि हम क्या ऐड करेंगे 58/21 ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट में पूछा हुआ है इन दिस गिवन इक्वेशन, इक्वेशन है 4x-5y=3। हेयर 3, यहाँ पे 3 क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है भाई 3 की वैल्यू क्या है। देखो अगर बोला जाता एक्स की वैल्यू क्या है तो एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, मगर 3 के साथ कोई नंबर है नहीं है, तो 3 जो एक सिर्फ नंबर होगा तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट। तो क्वेश्चन फिर मैं 3 क्या है, 3 एक कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इक्वेशन है आपकी y+3=10। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या है 6, देखो कैसे होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास y+3=10, तो 3 यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे इस नंबर को क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट कर देंगे अपनी साइड से दूसरी साइड पे। तो अभी ये पॉजिटिव था,
तो पॉजिटिव होगा तो साइड ट्रांसफर होकर क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव होता तो साइड चेंज करके क्या बन जाता, पॉजिटिव। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, आप देख लें इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका इसी क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्या आएगा, ऑप्शन ए, 7 इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट, विच नॉट अ पैरेललोग्राम, इनमें से कौन सा जो है पैरेललोग्राम नहीं है। तो बोला है कि इनमें से कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है, तो देखो जो रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। भाई पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है ना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो अपोजिट साइड है वो क्या होती है, इक्वल और पैरेलल। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये बताती है, पैरेललोग्राम का मतलब होता है ये पैरेललोग्राम का साइन है, कोई भी ऐसी फोर साइडेड फिगर इसकी अपोजिट साइड है इक्वल भी हो और अपोजिट साइड है पैरेलल भी हो। जैसे ए बी सी डी को ये फोर साइड फिगर है, तो उसमें ए बी पैरेलल भी होना चाहिए सी डी के, और ए बी इक्वल भी होना चाहिए सी डी के, या ए डी पैरेलल भी होना चाहिए बी सी के, या ए डी इक्वल भी होना चाहिए बी सी के। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो एक जो साइड है पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। अब इस क्वेश्चन में देखो रोम्बस इसकी चारों साइड है इक्वल भी हो सकती है पैरेलल भी, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है इक्वल पैरेलल, स्क्वायर की भी इक्वल पैरेलल। मगर हम ट्रेपिजियम की बात करते हो, देखो ट्रेपिजियम कैसे बनता है, ट्रेपिजियम तो कुछ इस तरीके की फिगर होती है ना, ट्रेपिजियम कैसी फिगर होती है, ऐसी फिगर होती है, तो इसमें एक साइड है तो पैरेलल होती है और एक साइड है क्या होती है, नॉन पैरेलल होती है। ऐसा भी होता है ट्रेपिजियम, अगर हम ऐसा भी देखेंगे तो क्या होगा, ये साइड नॉन पैरेलल होंगी और ये वाली क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ट्रेपिजियम है जो है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ट्रेपिजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी डायगोनल डू द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हैव, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के कितने डायगोनल होते हैं, चाहे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हो चाहे नॉर्मल क्वाड्रिलेटर हो उसके डायगोनल दो ही होंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटर की साइड कितनी होती है, 4, ठीक है, और उसके इसलिए डायगोनल जो होते हैं वर्टेक्स से मैच करते हैं। तो डायगोनल कितने होंगे, कॉन्वेक्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, पर कॉन्वेक्स और सिंपल दोनों क्वाड्रिलेटर के डायगोनल क्या होंगे, दो ही होंगे। ऑप्शन 2, फाइंड द टोटल आउटकम व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग व्हिच कंटेन, देखो जल्दी से बेटा कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका फाइंड द टोटल आउटकम व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग व्हिच कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल एंड 4 ब्लू बॉल। तो आउटकम क्या होता है, नंबर ऑफ बॉल जितनी भी है उनको जोड़ दो तो आपका क्या निकल जाएगा, आउटकम निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 4 ब्लू बॉल है, अगर जोड़ दोगे तो 3 प्लस 5 8, और 8 प्लस 4 क्या है, 12। तो आउटकम का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर दिए हो उनको जोड़ दो तो वो क्या कहलाता है, आउटकम कहलाता है। तो यहाँ पे 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 4 ब्लू बॉल है, तो टोटल कितना होगा इनका, 3 प्लस 5 8 और 8 प्लस 4 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर क्या आएगा, आपका टोटल आउटकम क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर व्हेन डाइस इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं। तो देखो कैसे होगा बेटा क्वेश्चन, तो हमें क्या निकालनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्राइम नंबर की, किसमें, डाइस में। तो डाइस में पता है टोटल कितने नंबर छपे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर छपे होते हैं। तो टोटल जो डाइस का आउटकम आता है, तो टोटल जो आउटकम है डाइस डाइस का वो कितना है भाई, आउटकम तो डाइस का 6 है, और जो प्राइम नंबर होते हैं, अगर हम इसमें प्राइम नंबर की बात करें, इनकी बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5, प्राइम वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, या तो अपनी टेबल पे आते हैं या 1 में आते हैं। तो 2 अपनी टेबल पे आता है, 3 अपनी टेबल पे आता है, 5 अपनी टेबल पे आता है, और भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, 7 प्राइम नंबर हो सकता है, 11 हो सकता है, 13, पर प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं होते, ये याद रखना, कई बार लोग सोचते हैं प्राइम नंबर का मतलब ऑड नंबर, नहीं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जो अपनी ही टेबल पे आते हैं या 1 की टेबल पे आते हैं। तो देखो 2 किसी और से डिवाइड हो सकता है, या 3 किसी से डिवाइड हो सकता है, या 5 किसी से डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइम नंबर की डाइस में। तो हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम, क्या होता है भाई, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, डिवाइड बाई टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, यहाँ
यानी प्राइम नंबर 2, 3, 5, तो टोटल कितने हैं 2, 3, 5, तो प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर है 3 और टोटल आउटकम कितने हैं 6। अब इसकी लोएस्ट फॉर्म बना दो या कह दो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा 1/2। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी किसी डाइस में प्राइम नंबर की वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 3/6 या 1/2। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर होगा आपका 3/6 या 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन 1/2 वाला है, तो 1/2 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्लियर है। सेक्शन बी करते हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है कि आपको स्पेशल साइड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बनाने और बताना है किस टाइप के क्वाड्रिलेटर है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इसमें स्क्वायर बना दो, बता दो फिर स्क्वायर की क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ऐसे ही अगर आप रेक्टेंगल बनाओगे तो रेक्टेंगल में बता दो अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। रोम्बस बताओगे तो बोल दो पैरेलल साइड है। तो इसमें आप क्या करोगे, कोई भी एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल बना सकते हो, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रेपीजियम, और फिर उसके प्रॉपर्टी को लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से है। क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट स्टार्ट करके t-1 = 5, 2t+1। तो क्वेश्चन देखिए बेटा किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन आपके पास है, 3t-1 = 5, 2t+1, क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 की t से, तो यहाँ हो जाएगा 3t-9, इस तरफ 5 की 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 10t, और 5 की 1 से करेंगे तो 5 1 5, क्लियर है। अब वेरिएबल को तो वेरिएबल के साथ सॉल्व कर देंगे, नंबर को नंबर के। तो ये वेरिएबल वाला है तो इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे सेकंड प्लेस पे, ये नंबर है इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे सेकंड प्लेस पे। तो पहले क्या लिखेंगे 3t, ये 10t इधर प्लस था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 10t। नेक्स्ट यहाँ पे 5 है, ये माइनस का 9 है, तो इधर ट्रांसपोर्ट होकर क्या हो जाएगा ये प्लस का 9, क्लियर है यहाँ तक। अब ये 3t पॉजिटिव का है और 10t किसका है, नेगेटिव का है। नेगेटिव वाला बड़ा है तो जो नंबर बड़ा होगा साइन उसका आएगा, यानी 10 बड़ा है तो 10 का साइन आएगा माइनस, और 10 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, तो -7t इस तरफ, और 9 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्लस का 14, क्लियर है इतनी बात। अब t इक्वल टू तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि t की क्या हो रही है 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब इधर मल्टीप्लाई होता है तो उधर डिवाइड हो जाता है, तो क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 14। पर नेगेटिव का साइन कभी वेरिएबल में नहीं रखते, याद रखना वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो नेगेटिव का साइन है हम 2 के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, क्लियर है आंसर, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x = 4/5 ब्रैकेट में x+10। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन है बेटा ये रहा x = 4/5 ब्रैकेट में x+10। तो देखो ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या है जब यहाँ मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/x+10। जब भी कोई नंबर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ वो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, ये बात क्लियर है। तो इसे डिवाइड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 4/5, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये दो नंबर है तो उसमें ब्रैकेट लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे और इस तरफ क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, यानी x+10 से, क्लियर है। ध्यान रखना जब भी कोई नंबर किसी से मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी तरफ को क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, या पूरी टर्म, ये एक पूरी टर्म है यहाँ मल्टीप्लाई हो रही तो उस तरफ क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, क्लियर है। अब 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की x+10 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x+40, क्लियर हो गया। अब ये x यहाँ पे और यहाँ भी x है, तो x को x के साथ क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5x-4x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो इस वाले क्वेश्चन के पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 40 आ जाएगी, क्लियर है बेटा, समझ आया क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और फिर देखना है कि कैसे सॉल्व होगी और रिजल्ट भी चेक करने, बाकी आप सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है x 8x + 4 = 3x - 1 + 7। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन है आपके पास 8x + 4 = 3x - 1 + 7। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, इधर तो सेम कॉपी करेंगे 8x + 4, इधर करेंगे 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 3 की 1 से मल्टीप्लाई -3,
7 क्लियर है यहाँ तक। अब ये दो नंबर हैं इधर सॉल्व कर दो इन्हें, यहाँ लिखो 8x + 4, इसको यहाँ रखो 3x और यहाँ सॉल्व करो -3 + 4, प्लस माइनस माइनस, पर बड़ा नंबर किसका है 7 का है, तो यानी प्लस का 4, जो नंबर बड़ा होता साइन उसका आता है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4, क्लियर है। और यहाँ पर तो क्लियर था, आप क्या करेंगे वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और नंबर को नंबर के साथ क्या कर देंगे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8x - 3x, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 4 है, और ये प्लस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ तक आपको बात समझ आई बेटा या नहीं आई, तो यहाँ तक तो क्लियर है ना बेटा, तो बस सिंपल है। अब 8x में 3x जाएगा तो क्या आएगा 5x, और 4 में से 4 जाएगा 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 (ब्रैकेट स्टार्ट) करके y-4 (ब्रैकेट क्लोज) -2y-9 + 5y+6 = 0, सेक्शन सी का क्वेश्चन है, देखो बेटा कैसे होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास 15y-4 - 2y-9 + 5y-6, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस बाहर के नंबर को सबके ब्रैकेटों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15y, और 15 की 4 से करेंगे तो आएगा माइनस का 16, -2 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y, माइनस की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, याद रखो जब बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, और बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो -2 की y से मल्टीप्लाई करेंगे -2y, -2 की 9 से करेंगे तो आएगा प्लस का 18, क्लियर है। फिर प्लस का 5 है, 5 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5y, और y 5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 = 30 = 0। अब वेरिएबल वाले नंबर एक साथ ले आओ और नंबर वाले नंबर एक साथ, तो वेरिएबल में क्या है 15y, फिर क्या है माइनस का 2y, फिर क्या है आपका प्लस का 5y, क्लियर है। तो यहाँ पे कौन से नंबर आ गए जिनमें वेरिएबल था, अब जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लाओ, माइनस का 60 न्यूमेरिकल वाला है, प्लस का 18 और प्लस का 30, ये सारे क्या है ये नंबर है और इसमें क्या है वेरिएबल है। अब सॉल्व कर दो 15 + 5 क्या होता है 20, क्योंकि प्लस और प्लस क्या होता है प्लस प्लस प्लस, 20 और 20 में से माइनस का 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 18y, क्योंकि बड़ा नंबर तो प्लस का है। इस तरफ भी ऐसे करो, यहाँ पे देखो ये माइनस का 60, ये प्लस के दोनों नंबर, तो माइनस का 60 और प्लस का 30 + 48 क्या 18 पर क्या होता है 48 = 0 है, तो ये तो 18y आ गया, या माइनस के 60 और प्लस का 48, तो बड़ा नंबर कौन सा है माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा 60 में से 48 जाएगा तो क्या आ जाएगा 12 = 0। अब ये तो हो गया 18y, यहाँ तक क्लियर है। अब ये माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, तो 18y = 12, हमें 18y की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y 18 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर 18 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों किसकी टेबल में आ सकते हैं 6 की टेबल में, तो 6 2 = 12 और 6 3 = 18, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जो ब्रैकेट है उन ब्रैकेटों से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर के नंबरों की, और ध्यान रखेंगे अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के साइन क्या हो रहे हैं अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के लिए वेरिएबल के नंबरों को एक साथ सॉल्व करेंगे और जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन आएगा, और न्यूमेरिकल के नंबरों को एक साथ सॉल्व करेंगे उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर देंगे, अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या यूज करनी है प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो प्रॉपर्टीज तो आपको पता है जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में या रैशनल वैल्यू में दे दिया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज करके क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन में बोला है यूज करनी है सही प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी और सॉल्व करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए कैसे होगा बेटा सॉल्व ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके पास -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए चाहे फ्रैक्शन वैल्यू में आए चाहे नंबर में, आपको सबसे पहले देखना है इनमें कॉमन चीज कौन सी है, तो कॉमन देखो यहाँ पे 3/5 दोनों के साथ इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई भी हो रहा है 3/5 इसके साथ, और यहाँ पे जो है 3/5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है, और 5/2 का कोई रोल नहीं है, वो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव यूज हो रही है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे 3/5 को कॉमन कर देंगे, किसको कॉमन करेंगे 3/5 को,
देखो यहाँ पे माइनस का 3.5 है, यहाँ पे प्लस का 3.5 है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो माइनस, तो हम क्या करेंगे ये जो इसका माइनस का साइन है ना इसको दे देंगे, किसको दे देंगे इसको, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 3/5 कॉमन ले लेंगे। जब हमने इसमें से 3/5 माइनस का 3/5 कॉमन ले लिया तो इसका साइन हट गया माइनस का, तो ये क्या बन गया, ये हो गया 2/3, क्लियर है। और जब हमने इसका भी माइनस का साइन इधर दे दिया तो ये क्या बच गया, ये हो गया +1/6। इतनी बात क्लियर हो गई कि हमने क्या करा, देखो ये नंबर जो था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या था, जो क्वेश्चन में था माइनस का 2/3 था पर प्लस का 3/5 था, पर हमने इसका माइनस इस वाले नंबर को दे दिया ताकि ये वाला भी माइनस का 3/5 हो जाए, पहला भी और दूसरा भी, यानी दोनों नंबर क्या हो जाए माइनस का, यानी इसको भी माइनस बना दिया इसको भी, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो जाए। तो इसका माइनस हट गया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये तो पॉजिटिव था। अब बचा हुआ नंबर कौन सा था, प्लस का 5/2, इसको अलग कर दिया। फिर हमने बॉर्ड मास का रूल लगाया, या आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रूल लगाया और ब्रैकेट को सॉल्व करा। तो माइनस का 3/5 ऐसे ही कॉपी करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम क्या आता है बेटा, 6 आता है। अब 3 की टेबल में 6 होता है, 3 2 जा 6, तो यानी 2 तो ये पहले ही है और इससे 2 की मल्टीप्लाई, एक 2 तो ये रहा और एक 2 तो ये रहा, और एक 2 कहां से आएगा, 3 2 जा 6। तो क्या करा हमने, कॉमन लेने के बाद सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 3 2 जा 6, तो यहां पे हो गया 2 न्यूमरेटर में था 2 और आ गया, प्लस का साइन लगाया, 1 तो ऑलरेडी है और 6 1 जा 6 1 यहां से आ गया, क्लियर है। इसको एज ही कॉपी कर लिया 5/2, फर्दर सॉल्व करा 3/5, यहाँ पे एलसीएम 6 था को सॉल्व करा तो क्या 2 2 जा 4 प्लस 1 × 1 1 प्लस 5/2, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे सॉल्व करा 3/5, अब ब्रैकेट को जब सॉल्व करा तो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4+1 क्या होता है 5/6, और यहाँ पे क्या आ गया 5/2, इसको ऐसे ही रहने दो, 5 से 5 को काट दिया तो क्या बचा, यहाँ बचा 3 और 6, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो क्या आया हमारे पास, क्या बचा ऊपर माइनस का 1 और नीचे प्लस का 2, और ये वाला जो नंबर बचा हुआ था इसे कॉपी कर लो 5/2। अब इनको सॉल्व करा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है कॉमन है, तो 2 हमने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 + 5, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बड़ा नंबर किसका है प्लस का है, तो साइन किसका आएगा यार, प्लस का है नहीं, प्लस 4 साइन किसका है, तो 5 में से 1 गया तो क्या आएगा 4/2, 2 से स्क्वायर काटा तो 2 2 जा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 2, समझ आया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में देखेंगे कॉमन नंबर कौन सा है, यहाँ पे 3/5 कॉमन था पर ये नेगेटिव का था ये पॉजिटिव का, तो हमने इसका नेगेटिव इसको दे दिया और दोनों से नेगेटिव का साइन बाहर आ गया, तो इसका नेगेटिव इसको दिया तो ये पॉजिटिव बन गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करा, फिर हमने प्रॉपर्टी प्रोडक्ट करा, करने का सिंप्लीफिकेशन करी, और सिंप्लीफिकेशन का जो लास्ट का नंबर था उसे एलसीएम के थ्रू सॉल्व करके आंसर निकाल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द डिफरेंट नंबर ऑफ एनिमल इन अ जू, प्रिपेयर करना है पाई चार्ट गिवन डेटा का जिसमें आपको दिया हुआ है एनिमल्स का नेम और नंबर ऑफ एनिमल, एनिमल में डियर है 42, एलिफेंट है 15, जिराफ है 26, रेप्टाइल्स है 24, टाइगर है 13, और जो टोटल है वो कितना है 120 है। तो देखो ये कैसे होगा और इसका कैसे हम पाई चार्ट बनाएंगे बेटा, प्रिपेयर करना है हमारे को क्या पाई चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें हमारे पे एनिमल्स क्या है, डियर है 42, एलिफेंट है 15, जिराफ है 26, रेप्टाइल है 24, टाइगर है 13 और टोटल है 120, और इनसे हमें क्या बनाना है एक पाई चार्ट बनाना है। देखिए पाई चार्ट कैसे बनाएंगे,